खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 को शांति व सौहार्द पूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारियों को विमल द्विवेदी ने किया सम्मानित। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव के दौरान व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करना भी बड़ी चुनौती है। इसी सफलता पर जनपद के लोकप्रिय समाजसेवी मरनर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक विमल द्विवेदी ने संस्था के पदाधिकारियों के साथ जनपद के जिलाधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को पुष्प गुच्छ प्रतीत चिन्ह व अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। विमल द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत में कहा, उन्होंने देश के इस चुनाव जो कि लोकतंत्र के इतिहास में दुनिया के सबसे बड़े आम चुनाव में गिना जाता है, जिसमें लगभग 65 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया है, उसी क्रम में उन्नाव लोकसभा जहाँ 23 लाख से अधिक मतदाता वोट डालने के लिए अधिकृत थे व 2100 से अधिक बूथ बनाए गए थे, ऐसे में इतने विशाल लोकसभा चुनाव 2024 को शांति व सौहार्दपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए उन्नाव जिलाधिकारी गौरांग राठी, पुलिस अधीक्षक उन्नाव सिद्धार्थ शंकर मीणा व मुख्य विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा सहित प्रशासनिक अधिकारियों को उन्होंने प्रतीक चिन्ह के साथ प्रशस्ति पत्र देकर व अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आदरणीय जिला अधिकारी महोदय गौरांग राठी जी को, पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थ शंकर मीणा जी सहित जिले के प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा जी सहित प्रशासनिक अधिकारियों को नरसेवा नारायण सेवा द्वारा आज सम्मानित किया गया है, क्योंकि ये लोकतंत्र के महापर्व में जिस तरह से उन्नाव लोकसभा का चुनाव शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है, इसके लिए जिले के प्रशासनिक अधिकारी बधाई के पात्र हैं। हम सब उनको उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और इस बात की उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।